दोस्तों स्वागत है आप लोगों के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में चलूँगा जबलपुर रेलवे स्टेशन से रीवा रेलवे स्टेशन तक। अभी ट्रेन आ चुकी है, हमारे हाथ में आ चुका है टिकट और अब यहाँ से 5 बजे रवाना होगी। 5:10 पे 5:08 हो चुके हैं और जल्द यहाँ से हम रवाना होंगे। लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है रीवा की ट्रेन। जबलपुर से रीवा के लिए ये शटल आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन में शाम को 5:10 पर मिलेगी। चलिए चलते हैं, अभी आपको अंतिम में पता चलेगा कितने बजे आपको रीवा पहुंचाती है। जबलपुर से हम निकल चुके हैं। तो दोस्तों जबलपुर से चलने के बाद आधारताल ये पहला रेलवे स्टेशन आया है जबलपुर से रीवा जाने में, जहां गाड़ी स्लो हो रही है। दोस्तों हमारे तरफ गर्मी के सीज़न में खेती एकदम उजड़ जाती है, लेकिन जबलपुर क्षेत्र में आप देखेंगे, जबलपुर से अभी मैं एक स्टेशन ही आगे निकला हूं, देख सकते हैं यहां। इसीलिए अक्सर सबसे पहले जबलपुर से ही सब्जियां मार्केट में पहुंचती हैं। इस सीज़न में भी लोग लगे हुए हैं और इसी बीच आ गया है ये रेलवे फाटक और जल्दी आने वाला है जबलपुर से आगे दूसरा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जबलपुर से चलने के बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन से ये दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाड़ी रवाना हो चुकी है। ये प्लेटफार्म है गोफलपुर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जबलपुर से रीवा तक में कितने प्लेटफार्म पड़ते हैं। चलिए दोस्तों आ चुका है अगला स्टेशन सिहोरा। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का नाम है डुंडी। जबलपुर से चलने के बाद लगभग ये चौथा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म डुंडी, यहाँ पे थोड़ी सी रुकेगी है ट्रेन। अगला स्टेशन आ चुका है सलीमनाबाद रोड। दोस्तों अगला रेलवे स्टॉप आ चुका है कटनी साउथ, लेकिन यहाँ पे हमें लगता नहीं है गाड़ी स्लो तो हो रही है, रुकती है या नहीं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ रुकने वाली नहीं है, कटनी जंक्शन पे ही रुकेगी जाके, कटनी साउथ में नहीं है इसका स्टॉपेज। पहुँचाइए 6:50 हो चुके हैं, 5:15
15 में चली थी जबलपुर रेलवे स्टेशन से। अगला स्टेशन आ चुका है दोस्तों। आप आ चुका है मैहर। पहुंच चुके हैं हमारी ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन पे। सतना प्लेटफॉर्म पे भी खड़ी हुई है। अभी आप देख सकते हैं लगभग 3 घंटा 40 मिनट में सतना पहुंचाती है जबलपुर से। और अगला स्टॉप आएगा हमारा रीवा। लगभग यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है दोस्तों। सतना से चलने के बाद अगला स्टेशन आया है कैमा। यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी हुई थी और यहाँ पे रवाना हो गई है। तो फाइनली दोस्तों लगभग 4 से 4.5 घंटे का सफर रहा। आ चुका है रीवा प्लेटफॉर्म। पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन रीवा प्लेटफॉर्म पे। ये लगने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये आ चुका है रीवा रेलवे स्टेशन। जबलपुर से रीवा से शटल आ चुकी है रीवा रेलवे स्टेशन पे। अभी पहुंच चुके हैं रीवा रेलवे स्टेशन में। भीड़ देख सकते हैं आप जाने वालों की। और आज की यात्रा भी यहीं समाप्त करते हैं। बने रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।